आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। मंगलवार को विधायक संजय शुक्ला के मरीमाता स्थित कार्यालय पर बड़ी संख्या में वार्ड 11 भागीरथपुरा चिराग मोहल्ला के रहवासी पहुंचे थे। मामले की जानकारी लेने पर पता चला कि यह सभी लोग एक युवक जिसका नाम विनोद कश्यप बताया जा रहा है, उक्त युवक को मोहल्ले की पड़ोस में रहने वाली दो महिलाएं रेखा एवं राधा कुमावत द्वारा निजी स्वार्थ के चलते छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर प्रताड़ित कर भागीरथपुरा चौकी पर शिकायत की गई थी, जिसके बाद युवक को भागीरथपुरा चौकी पर बिठाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। मामले की जानकारी जैसे ही मोहल्ले के लोगों को लगी, वे सभी चौकी पर पहुंचे, किंतु उन्हें लॉकडाउन का हवाला देकर वहां से रवाना कर दिया गया। तब मोहल्ले के सभी लोगों ने विधानसभा एक के विधायक संजय शुक्ला से मिलने का निश्चय किया और वे सभी मंगलवार को विधायक शुक्ला के मरीमाता स्थित कार्यालय पर पहुंच गए। मोहल्ले के लोगों एवं विनोद की बहन रानी ने बताया कि विनोद सेवाभावी युवक है, वह मंदिर में सेवा देने के साथ ही सभी की मदद करता है, किंतु पड़ोस की महिलाओं द्वारा उसका मकान हड़पने की भावना से बेवजह उस पर छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाया गया है। हालांकि मौके पर विधायक संजय शुक्ला उपस्थित नहीं थे, किंतु फोन पर चर्चा के बाद विधायक शुक्ला के ऑफिस से थाने पर बात की गई और मामले की उचित निराकरण के लिए कहा गया, जिस पर मोहल्ले के लोग संतुष्टि के साथ वहां से रवाना हुए। भागीरथपुरा क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आता है, उसके वार्ड क्रमांक 11 भागीरथपुरा चिराग मोहल्ला में रहते हैं। हमारे एक लड़के के ऊपर, मतलब हमारे मोहल्ले का लड़का जो बहुत सीधा साधा और मंदिर की सेवा करता है, उसके ऊपर पड़ोस के घर की कुछ महिलाओं ने झूठा आरोप लगाकर उसे थाने में चौकी पर झूठा आरोप लगा के कल बिठवा लिया। उसको 4-5 दिन से मतलब परेशान किया जा रहा है। पुलिस के पास जब गए, उसके मतलब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं हुई और ये कहा गया जो लोग उनके परिवार के गए थे कि कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और मतलब लॉकडाउन है, आप जाइए यहाँ से, ऐसा करके बता दिया गया। तो आज हम माननीय विधायक जी जो हमारी मतलब सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, मतलब जब भी उनको हम बुलाते हैं, उनसे अगर कुछ मदद मांगने जाते हैं तो हमारी मदद करते हैं। हम माननीय विधायक जी के पास आए थे आज, हमारी गुहार लेके हम लोग लगभग 50-60 महिलाएँ और काफ़ी लोग आपने देखा है कि यहाँ सब आए थे। तो माननीय विधायक जी तो नहीं मिले, लेकिन उनके कार्यालय से माननीय थाना प्रभारी जी को फ़ोन किया गया और उसमें बोला गया है कि जो भी हो इसको जल्दी कीजिए और इसकी जांच करके इसको निपटाइएगा। बस ये कि जैसे कुछ महिलाएं अगर झूठे आरोप लगा देते हैं तो पुलिस वाले उसको ले आते हैं और बिना जांच किए उसके ऊपर ज़्यादा आरोप लगा के प्रताड़ित किया जाता है। वो गरीब परिवार का एक मजदूर वर्ग का लड़का है, जिसके ऊपर उसके लड़के का नाम विनोद कश्यप है और जो जिसने करा है वो जो आरोप लगा रहा है उनका क्या, वो उनके पड़ोस में क्या नाम है उनका, उनका नाम रेखा और राधा भाई कुमावत है, उनके पड़ोस में ही रहते हैं, उनको प्रताड़ित किया गया है। आपका नाम? मैं तो मोहल्ले का रहता हूँ, उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ और वो कोई ऐसा मतलब इस प्रवृत्ति का नहीं है जो आज उनके लिए, मतलब अगर उसका कुछ रिकॉर्ड खराब होता तो कोई आता नहीं, जब हमारे मोहल्ले का कोई लड़का ऐसा है ही नहीं ना, हमारा परिवार मतलब एक मोहल्ला परिवार जैसा रहते हैं, तो हम उसके मदद के लिए और एक धार्मिक क्षेत्र हम धार्मिक आयोजन करते रहते हैं। मेरे भाई है, उनको है ना 4 महीने से परेशान करे जा रहे हैं और बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। ये कौन लोग लगा रहे हैं और आपके भाई का क्या नाम है? विनोद कश्यप। और कौन लोग आरोप लगा के परेशान? राधा और रेखा। क्या तुम आरोप लगा रहे हैं? छेड़ा छाड़ी का मेरा भाई इस लाइन में है नहीं, कभी ये मोहल्ले वाले झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने के पीछे क्या कारण है? मकान हड़पना। क्यों हड़पना क्यों चाहते हैं मकान? वो कह रहे हैं हमारी जगह है, हमारा है, और जबकि हम इतने साल से रह रहे, हमारा जन्म वही हुआ, ये 10 साल से आए हैं तो हमको परेशान कर रहे हैं।